हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी एंड आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक चैनल पर। गाइस, आज के दिन दो टीजर रिलीज किए गए हैं। पहला है संजय लीला भंसाली सर के द्वारा डायरेक्टेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें आलिया भट्ट मुख्य किरदार निभा रही हैं, जिसका टीजर रिएक्शन मैं कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं गाइस। दूसरी है संजय गुप्ता सर, ये भी संजय हैं वो भी संजय हैं, के संजय गुप्ता सर द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मुंबई सागा का। गाइस, मुंबई सागा मुंबई से पहले जो बॉम्बे था तब की कहानी हमें दिखाएगी। इसमें हमें पहली बार देखने को एक साथ मिलेंगे इमरान हाशमी एंड जॉन इब्राहिम। इसके अलावा इसकी कास्ट काफ़ी बड़ी है गाइस, जिसमें हमें सुनील शेट्टी जैसे सर, काजल अग्रवाल, रोहित रॉय, अंजना सुखानी, महेश मांजरेकर, प्रतीक बब्बर, समीर सोनी, अमोल गुप्ते एंड गुलशन ग्रोवर सर को भी देखने का मौका मिलेगा। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी द टीजर ऑफ मुंबई सागा। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये रिलीज़ भी बहुत जल्दी होने वाली है गाइस। आज 24 फरवरी है और ये मतलब एक महीने से भी कम समय, यानी 19 मार्च को रिलीज़ होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स सी द टीजर ऑफ मुंबई सागा। लेट्स स्टार्ट इट गाइस। मुंबई पर नहीं, जिद पर जीता हूं। गाइज, ये था टीजर ऑफ मुंबई सागा। और जैसे कि संजय गुप्ता सर अपनी जो फिल्म में एक येलोइश फ्लेवर रखते हैं स्क्रीन का, गाइज इसमें भी वो देखने को मिल रहा है। उनकी हर क्राइम बेस्ड फिल्म में आपको जो स्क्रीन का जो कलर है वो थोड़ा अलग और पुराने ज़माने का देखने को मिलता है, वही इसमें है गाइज। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इमरान हाशमी जो मोस्टली फिल्म्स में गैंगस्टर बनते थे, वो इसमें पुलिस वाले बने हैं। और जो पुलिस वाले यानी जॉन इब्राहिम, हालांकि कई फिल्म में वो भी गैंगस्टर बने, लेकिन आजकल जितनी भी उनकी फिल्में आ रही हैं वो उसमें ज़्यादातर या तो आर्मी मैन बन रहे हैं या फिर कोई पुलिस वाला, वो इसमें गैंगस्टर बन रहे हैं गाइज। और देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी जुगलबंदी कैसी होगी। इसमें एक्ट्रेस और बाकी लोग तो हैं, लेकिन मेन जो लीड है, जो फाइट है, वो इन दोनों के बीच में ही रहेगी, एक पुलिस वाला और एक जो डॉन है, जो राव जिनका नाम है, यानी जॉन इब्राहिम। तो गाइज, ये टीज़र थोड़ा इम्प्रेसिव था, लेकिन मुझे इससे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। आई होप का जो ये टीज़र के बाद जो ट्रेलर है वो बहुत जल्द आए, क्योंकि 19 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है इस फिल्म के रिलीज़ होने में। उससे पहले एक बेहतरीन टीज़र का हम वेट करेंगे, हालांकि ट्रेलर का वेट करेंगे, हालांकि टीज़र भी ठीक ठाक था। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये टीज़र रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़।